हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेस। सो आज हम स्टडी करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट इन हरियाणा का न्यू चैप्टर, दैट इज़ हरियाणा इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंसेप्शन। एज वी नो, हरियाणा एस्टेब्लिश हुई ऑन 1 नवंबर 1966 एज अ सेपरेट स्टेट। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये डिस्कस आउट करेंगे कि जो हरियाणा इकॉनमी है, जो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइक पॉपुलेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, बैंकिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिटरेसी लेवल, तो इन सभी एस्पेक्ट्स की पोजीशन क्या थी एंड हरियाणा इकॉनमी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, हरियाणा इकॉनमी का कंट्रीब्यूशन कितना था इन द फॉरेन ट्रेड फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट टिल टुडे। आज तक हरियाणा इकॉनमी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा इन द फॉरेन ट्रेड फ्रॉम नवंबर 1, 1966। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट इज पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। पॉपुलेशन एक मीन्स है एंड एंड है सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। पॉपुलेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकॉनमी की जो पॉपुलेशन है उसका क्लोज रिलेशन है उसकी इकॉनमी की डेवलपमेंट से। अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होगा, इट मीन्स अगर पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो पर कैपिटा इनकम भी अफेक्ट होगी। ड्यू टू हाई पॉपुलेशन साइज़ प्रॉब्लम्स में भी राइज होगा। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं लाइक पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ फूड, इन्फ्लेशन, तो ये सभी प्रॉब्लम्स में भी राइज होगा। तो पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो इकॉनमी की डेवलपमेंट है उस पर अफेक्ट होगा। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं इकॉनमी की उसमें भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। हाई पॉपुलेशन गिव्स राइज टू प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ फूड, अनएम्प्लॉयमेंट, एडवर्स अफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट एस्पेक्ट है हरियाणा का पॉपुलेशन। नेक्स्ट कम्स द फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट इज साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो जो हरियाणा की पॉपुलेशन का ग्रोथ एंड साइज़ है वो इन कंपैरिजन टू 2011 उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ एंड इंक्रीमेंट होने की वजह से जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी लाइक पोवर्टी, इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ फूड, अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें भी क्या हुआ, राइज हुआ। सो फर्स्ट फीचर क्या था, साइज़ एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट कम्स बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 persons इन अ ईयर एंड डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 persons इन अ ईयर। सो अगर हम प्रीवियस ईयर्स की डाटा को कंसीडर करें तो जो 2013 है उसमें जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज होने लगे, बट स्टिल इट इज़ वेरी हाई, विच इज़ द मेन रीज़न फॉर द ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ इन हरियाणा। सो सेकेंड फीचर क्या था पॉपुलेशन इन हरियाणा का, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। थर्ड इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी मीन्स एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दूँ टोटल एरिया से तो मैं क्या कैलकुलेट कर पाऊँगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट इज़ अनदर फीचर ऑफ पॉपुलेशन इन हरियाणा। So it is calculated by dividing the total population by total area. Next feature is rural urban population. As we know, हरियाणा एक agricultural economy है, so जो ratio है urban population की वो less है in comparison to rural population. It implies that कि जो population है हरियाणा economy की वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो फार्म एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। सो जो परसेंटेज है पीपल की विच इज़ लिविंग इन द अर्बन एरियाज़ इन इज़ इंक्रीजिंग, बट स्टिल जो प्रोग्रेस है इस डायरेक्शन में वो काफ़ी स्लो थी, बिकॉज जो रूरल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द अर्बन पॉपुलेशन।
नेक्स्ट फीचर इज़ एज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। जो पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर है वो भी अफेक्ट करेगा इकोनॉमी की डेवलपमेंट को। लाइक अगर पॉपुलेशन एज ग्रुप की होगी 15 to 59 ईयर्स, तो वो पॉपुलेशन होगी वर्किंग पॉपुलेशन। एंड अगर पॉपुलेशन का एज ग्रुप है 0 to 14 ईयर्स एंड 60 ईयर्स एंड अबव 60 ईयर्स, तो वो पॉपुलेशन होगी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन। सो अगर वर्किंग पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो हाई होगा इकॉनमी में, तो वो बेनिफिशियल होगा उस इकॉनमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एंड इन हरियाणा जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का 0 to 14 ईयर्स वो स्टिल हाई है, एंड जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव 60 ईयर्स वो भी क्या है, हाई है। इसका मतलब क्या है कि उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड वेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है इकॉनमी। सो एज कंपोजिशन भी अफेक्ट करता है इकॉनमी की डेवलपमेंट को। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो और फीमेल रेशियो इन हरियाणा। सेक्स रेशियो मींस नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक फीचर है। सो इन हरियाणा इकॉनमी जो सेक्स रेशियो है वो लो है। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। इन इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो वॉज 914 एज़ पर सेंसस 2011। जो ये सिचुएशन थी ये वर्स्ट थी, बिकॉज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स वॉज ओनली 914। एंड इन हरियाणा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो थी वो क्या थी, सबसे कम थी, लोवेस्ट थी, विच इज़ अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ हरियाणा इकॉनमी। सो ये कुछ फीचर्स थे हरियाणा की पॉपुलेशन के, साइज़ एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, कंपोजिशन और एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो इन हरियाणा एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो। नेक्स्ट कम्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन हरियाणा। हेल्थ का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग होना। इट मींस एक साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट होना एक इंडिविजुअल का। गुड हेल्थ का मतलब क्या है कि गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर पॉपुलेशन की हेल्थ इम्प्रूव्ड होगी तो इट मींस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगी। गुड हेल्थ इंक्रीज़ करेगी ओवरऑल एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को एंड मेंटल एबिलिटीज़ को। सो हरियाणा गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए सो दैट कि वो पॉपुलेशन को गुड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे इन हरियाणा। सो दैट कि जो पॉपुलेशन का न्यूट्रिशन लेवल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो क्या कर पाए, इम्प्रूव कर पाए। सो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए सो दैट कि जो पॉपुलेशन की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल है वो क्या हो, इम्प्रूव हो, डेथ रेट रिड्यूस हो, बर्थ रेट डिक्लाइन हो, एंड जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो मैक्सिमम प्रोवाइड की गई टू द लार्ज पॉपुलेशन, सो दैट कि जो उनकी वेलबींग है वो क्या हो, अच्छी हो, एंड उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी क्या हो, इम्प्रूव हो। सो इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने फॉर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज़ मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। ये स्कीम लॉन्च की गई चीफ मिनिस्टर ने ऑन 1 January 2014। इस स्कीम के अंडर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की गई टू द लार्ज पॉपुलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक फ्री 231 सर्जिकल प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए गए, फ्री बेसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे, ईसीजी, ऑल इंडोर मेडिसिंस प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट, फ्री मेडिसिंस प्रोवाइड की गई
इन ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. नेक्स्ट, हरियाणा स्वस्थ वाहन सेवा. हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हरियाणा स्वस्थ वाहन सेवा टू प्रोवाइड फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू प्रेग्नेंट वुमेन और रोड साइड एक्सीडेंट विक्टिम्स, बीपीएल पेशेंट्स. नेक्स्ट, चाइल्ड हेल्थ. गवर्नमेंट ने प्रमोट किया चाइल्ड वैक्सीनेशन को सो दैट कि गवर्नमेंट चिल्ड्रन को फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सके टू ऑल द न्यू बॉर्न बेबीज सो दैट उनकी जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है वो क्या हो, रिड्यूस हो. नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. इस स्कीम के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस करवाई गई गवर्नमेंट ने किन की, बीपीएल फैमिलीज की, कितने रुपीस की, 30,000 की, सो दैट कि उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके, उनकी हेल्थ से रिलेटेड उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. नेक्स्ट, अदर स्कीम्स. अदर स्कीम्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट ने एक्सपैंड की मेडिकल एजुकेशन इन द स्टेट एंड स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई टू द फीमेल चाइल्ड. एंड हरियाणा स्टेट हैज़ स्टार्टेड स्वच्छ भारत अभियान टू मेक पब्लिक अवेयर अबाउट क्लीनलीनेस फॉर बेटर हेल्थ. तो ये डिफरेंट स्कीम्स थी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की सो दैट की जो पॉपुलेशन है उनका वेलफेयर हो पाए. नेक्स्ट कम्स न्यूट्रिशन इन हरियाणा. न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड कंसीडरिंग द बॉडीज डाइटरी नीड्स. गुड न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि एडिक्वेट और वेल बैलेंस्ड डाइट लेना कंबाइंड विद अ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी तो इट मींस हमें डिसीज़ भी हो सकती है कोई. सो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू क्रॉनिक डिजीज़. सो न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए टू द वेरियस बीपीएल फैमिलीज. एंड गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को इम्प्लीमेंट किया सो दैट कि जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनके न्यूट्रिशन नीड्स को फुलफिल किया जा सके. सो इनिशिएटिव्स कौन कौन से थे जो गवर्नमेंट ने लिए. फर्स्ट इज किशोरी शक्ति योजना. इस स्कीम का मेन एम क्या था कि न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स बिटवीन 11 एंड 18 ईयर्स ऑफ एज. सो इस स्कीम के अंडर अवेयरनेस क्रिएट की गई अबाउट हेल्थ हाइजीन, न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप्स, प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शंस एट्सेट्रा. नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम. ये स्कीम रन की गई थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हरियाणा. इस स्कीम के अंडर न्यूट्रिशन केयर प्रोवाइड की गई टू द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर्स एंड एडोलसेंट गर्ल्स. नेक्स्ट, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स. इस स्कीम के अंडर न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव किया गया गर्ल्स के एंड उनमें एक अवेयरनेस प्रमोट की गई रिगार्डिंग दी हेल्थ हाइजीन, न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर, फैमिली केयर एट्सेट्रा. नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. इस स्कीम को स्पॉन्सर किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया टू इम्प्रूव दी हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्रेगनेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स. So this scheme is sponsored by the Ministry of Women and Child Development of India. Next, counseling of health and nutrition on rural population. इस स्कीम के अंडर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थे along with the accredited social health activities, उनमें ये अवेयरनेस क्रिएट की गई रिगार्डिंग the health care, nutrition and hygiene.